जय श्री कृष्ण। मैं पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री, श्री राधा कृष्ण मंदिर, वृंदावन धाम, कोहे फिजा, भोपाल। आज हम जानेंगे, देखिए लक्ष्मी जी को जो आपको ऋतु काल के हिसाब से, यथा कालोद भवानी चा, जिस काल में जो पुष्प उत्पन्न होता हो उसी पुष्प के द्वारा माँ लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। माल्यदीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मई हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहताम। जो भी ऋतु काल के हिसाब से पुष्प आपको मिल जाए उससे आप लक्ष्मी जी की आराधना करें। कमल पुष्प यदि आपको आसानी से प्राप्त होता है तो कमल पुष्प के द्वारा माँ लक्ष्मी की पूजा करें। यदि कमल पुष्प नहीं प्राप्त हो पाता है तो आपको हर श्रृंगार, पारिजात, जो पुष्प मिल जाए, चमेली का पुष्प, चंपा का पुष्प, जो पुष्प आपको ऋतु के हिसाब से यदि मिल जाता है उस पुष्प का से आप माँ लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं। और कमलगट्टे, अगर नई पुष्प आपको कोई मिलता है तो कमलगट्टे की यदि माला है तो उस माला को भी आप माँ लक्ष्मी को धारण करा सकते हैं। देखिए शास्त्रों में भी कमल पुष्प का ही विधान है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का स्थान ही कमल पुष्प है और कमल ही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। आप जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करें तो कमल के पुष्प पे खड़ी हुई हैं, कमल पुष्प हाथ में लिए हुई हैं और कमल की माला पहनी हुई है लक्ष्मी जी को। इसी प्रकार से यदि आप चाहो तो कमल पुष्प के द्वारा स्वर्ण की छोटी छोटी पत्तियों से कमल पुष्प बना के, तो स्वर्ण कमल जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण कमल पुष्प की माला भी आप माता लक्ष्मी जी को अर्पण।